सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पोपाई लक्ष्य और आप सभी पोकेमोन लेजेंड। हम आज शुरू कर रहे हैं पैल वर्ल्ड की सीरीज। और एक बात सच बोलूँ तो मैंने इसको एक दिन पहले शुरू करा था, यानी कि मैंने इस गेम को कल खेला था। और इतना एक्साइटमेंट थी ना इसको खेलने की कि यार मैं वीडियो बनाने ही भूल गया था यार, उसके लिए तो मुझे माफ़ कर दो। तो ये है हमारा कुछ प्यारा सा वर्ल्ड। और हाँ, इस वर्ल्ड में लैगिंग हो सकती है क्योंकि मेरा लैपटॉप इतना एडवांस नहीं है कि इसकी ग्राफिक्स को झेल सके। तो मैंने एपिक ग्राफिक्स से वेरी लो कर दिया है इसकी ग्राफिक्स। तो अभी तक जितनी प्रोग्रेस हुई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर अब आगे का आप देख लेते हैं ना। मैं रेगुलर वीडियो डालूंगा आगे से, ठीक है। तो ये हमारा कुछ छोटा सा बेस है, यहाँ पे वो हमारा बेड है, इस साइड हमारे पैल्स का बेड है, यहाँ पर सारे वर्क बेंच ये वो है, ये फूड बास्केट है, ठीक है। यहाँ पे एक एग्रीकल्चर, ये स्टोन क्रशर, लॉगिंग साइट, माइनिंग साइट, ठीक है। ये हमारा पहला बॉक्स है। अब मैं आपको ना अपने पोकेमोन दिखाता हूँ, पैल्स जिन्हें इस दुनिया में बोलते हैं। तो एक ये सबसे पहले है डिनोसोम। इसको पकड़ने में जितनी मेहनत लगी ना, बस यार मैं करता। ये टॉम बैट मुझे मार्च चैलेंज में मिला था। नाइटविंग तो यही घूम रहा था, बहुत इजीली पकड़ लिया मैं इसको। और भाई ये नॉक्स, ये तो भाई गोड है यार। मैं इसकी ना भी आपको एबिलिटी दिखाऊंगा, ठीक है। इसको मैंने अंडे से निकाला था, ये लार्ज डार्क टाइप एग से निकला था मेरा। बहुत फिर ना इसको मैंने पैल सोल्स की मदद से ना इनहेंस कर दिया था, ठीक है। तो इसलिए ये पावरफुल है। एक ये पेंगुलेट है, और ये नॉर्मल पेंगुलेट नहीं है। मैं दिखाता हूँ, जो एरिया नहीं है जहाँ पे टेक्नो भाई का बेस है, टेक्नो गेमर्स का। मैं भाई क्यों बोल रहा हूँ, मेरे भाई थोड़ी नहीं लगता है वो। हाँ, वहीं वहीं पे मुझे मिला था ये, क्योंकि तो मैं वहाँ पे टेलीपोर्ट भी दिखाता हूँ आपको। ये हाँ, ये वाला जी हाँ, ये एरिया होता है ना, हाँ यहीं पे मिला था मुझे ये, यही पे मिला था मुझे। और भाई भाई मेहनत लगी थी, बहुत मेहनत लगी थी। और ये हमारी विक्सी, हमने इसे भी कैप्चर किया था। एक्चुअली और भी विक्सी है मेरे पास, एक बार मेरा तो अच्छा सा लेवल हो जाए ना, फिर इन्हें कंबाइन कर दूंगा। फिर ये गीगा मेगा ये स्पेयर्स भी ड्रॉप करेंगे। तो मैं और दिखाता हूँ आपको, ये चिलेट भाई, चिलेट को तो बच्चा बच्चा पकड़ ले यार। ये 5 लैम्बोल स्टार्टिंग का मिशन होता है, ये मैंने पकड़ लिया था। एक ये चिकीपी थी, एक ये और चिकीपी है, ये दो भी हैं भाई मेरे पास इलेक्ट्रिक डियर। और ये आरसोक्स, ये भी मेरा अंडे से निकला था। हाँ अंडे से निकला था, नहीं, आरसोक्स ये तो मैंने उस सिंडिकेट से बचाया था। इतना अच्छा पोकेमोन नहीं है, उससे फाइट करने गया था मैं कैटरस से। ये भी पिट के आ गया था, नॉक्स भी पिट के आ गया, सारे पिट के आ गए थे मेरे को भाई यार, मार देता कैटरस ने मेरे को। इसको पता नहीं मैं क्यों पकड़ा है, बस साइड जैसा लग रहा था। साइड तुम्हें पता ही होगा यार, पोकेमोन फैंस हो यार तुम, उसके साथ इधर तो मैंने पकड़ लिया। ये फोक्स पास कहीं कहीं घूमती रहती है, उसको भी पकड़ लिया था। ये डे ड्रीम हमारा सेकंड पोकेमोन था इस वर्ल्ड का, लिटरली सेकंड पोकेमोन। रात हुई थी जब मैंने पकड़ा था इसको। और जो मेरा फर्स्ट पोकेमोन है ना, सबसे हाई लेवल वाला लैम्बोल, हाँ यही ये वाला लैम्बोल है। सबसे पहले मैंने ये पकड़ा था और फिर ये पकड़ा था। ये मैं एक डंजन में गया था, केव में गया था, वहां से लेके गया था। नया पोकेमोन लगा तो मैंने ले लिया, पता नहीं क्या काम है। ये कैपरीडी, कैपरीडी को भी पकड़ने में इतना मेहनत नहीं लगी। ये वाली मैंने पकड़ी थी, ये 9 लेवल वाली, ये वाला मेरा अंडे में से निकला था। ये चिलगुजा रेड करने आया था, हाँ यही ठीक है। ये पेंगुलेट भी मैंने पकड़ा था, ये जहाँ से मैंने विक्सी पड़ी थी ना वहीं से लेके आया था मैं। और ये भी हाँ, ये भी वहीं से पड़ा था। हाँ ये पता नहीं कैसा आइस टाइप जोल्टोग है, जोल्टोग क्रिस्ट है इसका नाम। कूल। तो ये मैंने सिंडिकेट्स के पास से छुड़ाया था। ये क्रेमिस पता नहीं किस काम आती है, तुम मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। ये भी मैंने यहीं से पढ़ा था। और ये भाई पैनकिंग, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, लार्ज डैम पैक से निकल गया मेरा।
ये हो गए सारे, कौन सा रह गया इनमें से? डायर हॉल भी मैंने पकड़ लिया था, पटलर को मैंने केव में से पकड़ा था। ये तो यहीं कहीं घूमता रहता है, ये जो, हाँ वही टेक्नोकेमर वाली जहाँ से ये मिला था, ये शाइनी वाला एक्टिवा तो यहीं घूमती रहती है यार। हाँ बस यही पोकेमोन से मेरे पास, सबके बारे में मैंने आपको बता दिया है। चलो आज ज़्यादा टाइम तो नहीं मिला है, वीडियो का आधा टाइम तो यही बताने में निकल गया मेरा। कोई बात नहीं गाइस, अभी देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो चलो थोड़े बहुत पोकेमोन पकड़ने चलते हैं। ये मैं यहाँ से पोकेबॉल्स ले लेता हूँ। भाई विक्सी को ना अपग्रेड करना पड़ेगा, मेरे को मेगा और गीगा बॉल्स चाहिए यार। तो चलो टीपी मारते हैं। जिसको पैलवाड़ी के बारे में नहीं पता हो ना भाई, उसके लिए सॉरी, मैं स्टार्टिंग से नहीं बना पाया तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, फिर भी मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत, बाकी टाइम भी निकल जाएगा उसका, वीडियो का। तो इस गेम में बेसिकली आप, हाँ ये चिलगुजा, हाँ ये हूँ मैं। आंखों देखो यार, मस्त लग रही है ना। आपको अपना कैरेक्टर डिजाइन करना होता है इन पैल्स में, तो पोकेमोन्स बोलूँगा यार, इन पोकेमोन्स के बीच में सरवाइव करना होता है। कुछ होते हैं जो देख के ही भूल जाते हैं, जैसे कि वो ना, तो वो पिज्जा से दिखता है ब्राउन कलर का, हाँ वो भी देखते ही एग्रो हो जाता है। कुछ होते हैं जो भागने लग जाते हैं, इनको आप पकड़ सकते हो स्पेयर की मदद से। हाँ ये इन स्पेयर्स की मदद से आप इनको पकड़ सकते हो। वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे? बिना उसकी जानकारी, ये बिना मारे पोड़ मारो कोई। ए आजा आजा, आ गया, आजा भाई पकड़ में, बहुत कमजोर। ओ शेट मार मार, मत कोई सही नहीं मारेगा इसको, मैं बिना इसको हार्म करे पकड़ने वाला हूँ। ये मेरे पास है, ओ वो पकड़ा गया लिटरली। मैं किसने मारा यार? पेंगुलेट भाई, मैंने उसको ना बिना एक भी फटका मारे पकड़ा है। एक मिनट, खाना है ना इनके उसमें बास्केट में, कभी फिर ये भूखे मारे भाई, बहुत बुरे नहीं है, भूखे होंगे तो काम नहीं करेंगे, इतने सारे बेड लगा रखे हैं इनके लिए। तो मैंने खाना है इसमें, हाँ भाई खाना तो है। तो यही है हमारा छोटा सा बेस, जो कि मैंने भाई कल कल में ना मैंने बहुत कुछ कर लिया यार, इतनी एक्साइटमेंट थी ना इस गेम को खेलने की। हाँ भाई हो गया, ये हार्वेस्टिंग की बची है सिर्फ, इसकी कोई काम नहीं कर रहा क्या इस पे? वहाँ पे वो बैल्डिंग बनाने के लिए छोड़ रखे मैंने। आ रहा है कोई मेरी मदद के लिए? कौन आ रहा है? हाँ गाइस ये ना हमारे लिए काम भी करते हैं, देखो आपको लग रहा होगा ना ये नाच रहे हैं, खासकर ये पिंक वाली कैटीवा नाम है इसका। नहीं ये नाच नहीं रहे, ये मेरे साथ हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, जो यहाँ पे मैंने बीच